नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों। मनी प्लांट गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं लैंड लोटस के बीज शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो बीज दिखते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि ये जो बीज है, लैंड लोटस के बीज हैं। इसको मैंने इसका जो फ्लावर था फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले उसकी वीडियो शेयर की हुई थी, आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स, कलर बदलते रहते हैं। मॉर्निंग के टाइम में वाइट रहते हैं, लेकिन जैसे इसे दिन ढलते जाते हैं उनका कलर पिंक होता जाता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लगते हैं। और देखिए, इस तरीके से बीज होते हैं। पहले छोटे से गोलाई में होते हैं, खोलने पर रेशेदार कुछ उसमें होते हैं। उसी के बीच बीच में छोटे छोटे ब्राउन ब्राउन से बीज होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है। लेकिन इसको मैं आज बीज से ग्रो करना भी बताएंगे कि इसको बीज से किस तरीके से ग्रो करेंगे। और फिलहाल तो इसको कटिंग से ही लगाया जाता है, लेकिन आज मैं बीज से ग्रो करना बताऊंगी और उसको ग्राउंड पे ही लगाऊंगी। अगर इसमें से अगर अंकुरित होते हैं, निकलते हैं कुछ पौधे, तो उसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप बीज देख सकते हैं इस तरीके से होते हैं, पूरा प्रॉपर सूख गया हुआ है ये। तब मैंने सोचा आज मैं निकाल के आप लोग के साथ शेयर भी कर दूं कि लैंड लोटस के जो बीज होते हैं किस तरीके से होते हैं फ्रेंड्स। और इस तरीके से होते हैं, और देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स, फ्लावर्स के थोड़ा अजीबोगरीब ही होते हैं, कुछ अच्छा ही नहीं रहता है। मैंने लास्ट टाइम में साइकस के सीड के वीडियो डाले हुए थे, वो भी देखने में अजीब लग रहे थे, और ये भी। तो फ्रेंड्स, जो लैंड लोटस की मैं बात करूँ तो उसको कटिंग से ही ग्रो किया जाता है ज़्यादातर। मैंने कटिंग से कई लगाए हुए हैं लैंड लोटस को। इसके जो फ्लावर होते हैं फ्रेंड्स, सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न में होते हैं। लेकिन ये जो सीड्स है फ्रेंड्स, ये डबल पैटर्न वाले हैं जो कई लेयर्स में होते हैं। तो इसको लगाने के बाद अगर इसमें पौधे निकलते हैं, फूल खिलते हैं, तब देखेंगे कि उसके जो फ्लावर के जो पैटर्न होते हैं किस तरीके से होते हैं, जिस तरीके के ये बीज निकले हुए उसी में के होते हैं या कुछ अलग होते हैं। तो बीज भी निकालना दिखाएंगे, इस तरीके से निकालेंगे बीज को। आराम आराम से निकालना होता है फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होता है ना, इसके बीज नीचे गिर जाते हैं तो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ग्राउंड पे लगा हुआ है तो ग्राउंड पे भी घास फूस कुछ ज़्यादा ही है। तो आराम से दोनों हाथों को लगा के इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते किस तरीके से पूरा इस तरीके से तोड़ के बिखेर देना है, ताकि अच्छे से बीज हमारे अलग हो जाए। एक एक बीज फ्रेंड्स इसमें से ये निकालना है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कलेक्ट किया जा रहा है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपके पास इसके पौधे हैं तो आप भी देखिए इस तरीके से मलकर अलग करना है सीड्स को, ताकि छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उसी में चिपके हुए होते हैं। तो इस तरीके से करने से बीज अलग हो जाते हैं, जो रेशे होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से साफ करना है, आप देख सकते हो सीड को साफ कर लिया गया, अलग कर लिया गया है। अभी भी देखिए कुछ बीज में रेसे लगे हुए हैं, आप इनको मैं ग्राउंड पे ही लगाने वाली हूँ। तो देखिए मिट्टी में अभी नमी है, तो यहीं पे सेडी एरिया यहीं पे सेडिंग करने जा रहे हैं। तो पहले साफ कर देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कटिंग लगी हुई है डेलिया की। बगल में देसी गुलाब भी लगा हुआ है, तो उसी के साइड में थोड़ा सा सीड को लगाने जा रहे हैं। लगाने के बाद में क्या होता है ना, ऐसी जगह पे हम लोग लगा रहे हैं कि ज़्यादा नज़र न जाए, क्योंकि होता है बार बार चेक करने में, देखने में क्या होता है ना कि
कि पौधे लगने में भी टाइम लग रहे हैं, तो यहाँ पे एक साइड लगा दिया जा रहा है ताकि हम लोग वहाँ पे बार बार छींक ना करें। इस तरीके से बीज ऊपर से डाल देंगे, पानी देने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देख ही सकते कितनी नमी है और मिट्टी में। वैसे दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में एक बार सिंचाई की जाती है ग्राउंड पे, जो पौधे लगे हुए हैं उनको दी जाती है। कभी दो तीन दिन पहले ही सिंचाई हुई थी, इस तरीके से अच्छे से मिट्टी से मिला दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जब इसमें पौधे निकल आएंगे तब उसकी वीडियो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो, नए प्लांट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।